चाय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर के सेल्स को खराब होने से बचाते हैं। ये सेल्स खराब होने से व्यक्ति तरह तरह की बीमारियों से जूझ सकता है, यानी कि कैंसर की बीमारी भी उसे तरह तरह की हो सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ब्लू टी बढ़िया पेय पदार्थ है। ब्लू टी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये हम आपको बताते हैं। ब्लू टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट थकान को कम करने में मदद करता है और चाय पीने से व्यक्ति ऊर्जावान होता है। और आपको नीली चाय पीने से आप तनाव मुक्त रहते हैं, साथ ही एंजाइटी भी कम होती है। इसे पाया जाने वाला अमीनो एसिड सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। सामग्री के रूप में आपको चाहिए 2 कप ठंडा पानी, 2 टेबलस्पून शहद, 4 टेबलस्पून ग्रीन टी, 6 टेबलस्पून ब्लू टी, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 पतली अदरक स्लाइस कटी हुई, कांच का जार। बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे। कांच के जार में ग्रीन टी और ब्लू टी डालें। अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा और अदरक डालें। ढककर जार को अच्छी तरह हिलाएं। जार को फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रख दें। तय समय बाद छानकर कप में डालें। ऊपर से शहद डालकर चाय पी लें। फायदा मिलेगा। चूरन हेल्डेक्स से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।